एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और यहाँ पे देख सकते हैं मैं आ गई हूँ अपने घर, यानी कि अपने मतलब कि जहाँ मैं रहती हूँ बोकारो में मैं आ गई हूँ। और यहाँ पे सामान देख सकते हैं पूरा फैला हुआ, मतलब घर पूरा एकदम बहुत ही खराब हो चुका है घर। और अभी मैं मतलब सो के उठ गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ क्लीनिंग करने के लिए। मैं पूरे घर की आज डीप क्लीनिंग करूँगी, तब थोड़ा थोड़ा करके करूँगी, एक बार ही नहीं, नहीं तो तबीयत ख़राब हो सकता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके क्लीनिंग करूँगी और फिर अभी तो बच्चे सोए हुए हैं। और यहाँ पे है, मैंने वट सावित्री पूजा किया था तो ये मैंने मेहंदी लगाई थी, ये बहुत ही ब्लैक हो गया है पूरा। और यहाँ पे ये सलवार मैंने डाला है। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और इंजॉय कीजिएगा। और ये तो अभी मैं दोनों, जैसे वीडियो होता है ना, साड़ी सलवार ये सब का वीडियो भी मैं शेयर करूँगी, तो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज़्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि बहुत सारे काम हैं और आप लोग से मैं बाद में बातें करूँगी, पहले मैं काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बातें करूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई क्लीन करने के लिए और यहाँ पे देख सकते हैं मतलब कि सामान देखकर ही मुझे चक्कर आ रहे थे कि मैं कैसे मैं करूं, कहां से स्टार्ट करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहां से स्टार्ट करूं, अंदर रूम से या फर्स्ट रूम से। पूरा सामान मतलब कि बिखरा हुआ था, बैग भी अनपैक करने थे, बट वो अभी मैं करूंगी नहीं, क्योंकि मैं पहले ये जो घर है उसको पूरी अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, उसके बाद फिर बैग को अनपैक करूँगी। और अभी बच्चे सोए हुए तो फिर बेड भी मैं नहीं क्लीन कर सकती, तो वही सोच रही थी कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो सोचा कि नहीं, चले पहले पूरे घर को वॉश कर लेते हैं, उसके बाद ही मैं ये जो बेडशीट वगैरह है वो चेंज करूँगी और बेड तो अभी नहीं क्लीन करूँगी। जब तक मैं नहाऊँगी नहीं तब तक नहीं क्लीन करूँगी, तो अभी देखते हैं। और बहुत ही सामान थे, उठा मुझसे उठ भी नहीं रहा था, फिर भी देख सकते हैं कैसे करके मैं उठाई हूँ, बहुत भारी था यह सामान। से सारे सामान मैं गांव से आए हैं मतलब कि लाई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं आ गई हूँ क्लीन करने के लिए और बहुत से मैं आज सूट में और लेगिंग में क्लीन कर रही हूँ। तो बहुत से रिक्वेस्ट आ रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे कि मैम लेगीज में वीडियो क्लीनिंग वीडियो बनाइए, तो वही मैंने आज बना ली। तो लो जी, अब मैंने मान ली आप सबकी बात, तो अभी मैं क्लीन कर रही हूँ लेगीज में ही और पूरे घर को अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी और फिर आगे के काम में करूँगी। तो कपड़े भी बहुत सारे रखे हुए हैं, ऐसे नहीं कि कपड़े नहीं हैं, बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, बट मैंने कहा पहले ही कि मैं एक एक करके काम करूँगी, पहले की तरह मैं काम नहीं करूंगी, नहीं तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाता है, फिर वीडियो शूट नहीं कर पाती हूं। और आप लोग भी बोलते हो कि आप लोग अच्छा अपना ख्याल रखिए, तो इस वजह से। तो अभी देखिए चेयर को ये सब को मैं भी वॉश कर दूंगी, और क्योंकि बहुत दिनों से इसी तरह रखे हुए थे, धूल उल पड़ गए थे। और इसमें भी टेबल को भी क्लीन करूँगी, इस सबको साइड करके रख दूँगी और उसके बाद फिर। और मेरा जो अंदर रूम है वो उसको मैंने वॉश कर लिया है और किचन को भी वॉश कर लिया है, बस ये लास्ट रूम बचा हुआ है तो इसको भी मैं क्लीन कर लूँगी और क्लीन करने के बाद फिर मैं वॉश कर दूँगी। करते करते मुझे याद आया कि अरे मैंने तो पलंग के नीचे जो ये फोल्डिंग है उसके नीचे मैंने प्याज रखा था और उसको मैंने निकाला ही नहीं, तो मतलब कि सारे प्याज भीग गए। और अभी मैं इसको निकालूंगी और इनको देख सकते हैं ये कपड़े निकाल रहे थे तो ये जाएंगे बाहर, तो इसीलिए अभी ये पहन लेंगे उस रूम में। और देखिए मुझे याद पड़ा कि मैंने अभी निकाला ही नहीं प्याज को, फिर मैं जाऊंगी फिर उसको निकालूंगी। बहुत सारे प्याज थे गांव से आए हुए थे
मेरे बहन के घर से आए थे, तो मैंने जब गांव जा रही थी ना, तो उसी समय मैंने नीचे ही रख दिया था फैला के, ताकि हवा लगते रहे, गल जाए। तो फिर भी एक दो ऐसे करके प्याज गल गए थे। और यहाँ पे भी मैंने बिस्तर को सेट नहीं किया था, तो अभी मैं निकाल के ये सब को रख दूँगी। और ये सब गांव के हैं तो अच्छे लगते हैं, जैसे गांव वाले ताज़े रहते हैं ना, ये सब तो अच्छे लगते हैं। गांव में का सामान ये सब रहता है, आता है तो बहुत ही खुशी मिलती है कि चलो आया है। और अभी देख सकते हैं मेरे पैरों में भी मेहंदी लगाई थी और ये पहना था। और ये देखिए वो रेडी होकर जा रहे हैं बाहर। और अभी मैं इधर नीचे भी इस तरह से क्लीन कर लूँगी पूरी। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे मतलब कचड़े हुए निकल रहे थे। और ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ रूम बंद हुए, मतलब एक सप्ताह ही हुआ था, और इतने सारे गंदे मतलब कि हो गए। को आदमी रहता है तो गंदे होते तो समझ में आता है, बंद रूम में भी कहाँ से गंदे आ जाते हैं समझ में नहीं आता है। तो गांव से ही आते ही मैं लग गई कामों पे अपने घर के क्लीन करने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने नहा भी लिया, और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था मुझे काम करते करते। और अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, तो ब्रेकफास्ट में उधर मैंने ये जो कढ़ाई है तो उसमें चने की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, और अभी मैं पुड़िया तल दे रही हूँ। गरम गरम रहेगा तो ऐसे खा लेंगे सब लोग। और सब्ज़ी तो मैंने पहले ही बना ली थी, जैसे नहाने के पहले ही जब मैं उठी थी ना, तो उसी समय मैंने सब्ज़ी बना ली थी चने की। और यहाँ पे मैं पूड़ियाँ तल दूँगी और फिर हो जाएगा। और यहाँ पे आज मैंने ये साड़ी वेयर की है, तो ये अभी गर्मी है ना, तो मतलब साड़ी में ज़्यादा ही गर्मी लगती है, तो मैंने सोचा कि नहीं ये हल्का है तो यही मैं डाल लेती हूँ। और आप लोग को भी अच्छा लगेगा। और कैसा लगा फ्रेंड मेरा ये ब्लॉग, ज़रूर आप लोग को देसी क्लीनिंग ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आप लोग को इसी तरह की वीडियो चाहिएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे आप लोग गांव वाले भी ब्लॉग देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग मैंने बनाए हैं। और यहाँ पे मैं बना लूँगी जल्दी से पूड़ियाँ। और यहाँ हीटर मेरा ख़राब हो गया था, तो इस वजह से मुझे गैस पर बनाना पड़ा, और तार बार बार टूट जा रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हैं सॉन्ग बज रही थी। मैं जब भी यहाँ पे ब्रेकफास्ट या खाना बनाने आती हूँ, पता नहीं कौन सॉन्ग बजाने लगता है उधर, मतलब कि दूसरे बिल्डिंग में बजने लगता है। और खाना बनाते बनाते मुझे भी अच्छा लगता है सुनने में, और मैं भी डांस करने लगती हूँ, और आप लोग को भी अच्छा लगता होगा। ऐसे मैं म्यूट कर देती हूँ आवाज़ कॉपीराइट की वजह से, तो इसीलिए मैं सुना नहीं सकती आप लोगों की कौन गाना बज रहा था। बट इस तरह से ऐसे भी मैं पहले भी जब भी मैं खाना बनाती थी ना, तो मोबाइल में, अभी तो वीडियो बनाती हूँ तो उस समय नहीं स्टार्ट करती हूँ, ताकि वीडियो में गलती से भी चल जाएगा तो फिर मेरा हो जाएगा कल्याण। और ऐसे मुझे बहुत पसंद है, मतलब खाना बनाते बनाते गाना सुनना, डांस करना, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं अभी बच्चे लोग को भी दूध दे दूँगी, और बच्चे लोग खा लेंगे, फिर उसके बाद हस्बैंड जी तो अभी नहीं है, गए हैं बाहर, सामान ग्रोसरी वगैरह नहीं थे तो वही लाने गए हैं। और मैं भी खा लूँगी और बच्चे लोग भी खा लेंगे। तो और गांव में तो ये सब मतलब कि उतना तलने वाली चीज़ें नहीं मतलब होती थी, जैसे वहाँ सिंपल खाना जो रहता है वही गांव में, और बहुत अच्छा लगता था मुझे भी वहाँ। और वहाँ का भी माहौल मतलब गांव जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, उतने सालों के बाद गई ना तो और भी अच्छा लगा। और फिर वहाँ से यहाँ पे आने के बाद उतना मतलब यहाँ अकेले रहती हूँ ना, तो उतना मन ये सब नहीं लगता है, घर में अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। और फैमिली के साथ में रहती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं कभी मम्मी घर, कभी अपने ससुराल धनबाद, या फिर ऐसे जाती रहती हूँ तो थोड़ा ठीक लगता है। तो अभी पूड़िया बन के हो गई है रेडी। तो कैसा लगा फ्रेंड आप सबको ये मेरा ब्लॉग, और देसी क्लीनिंग ब्लॉग और विलेज लाइफ स्टाइल? तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए।